उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का जिला अस्पताल मरीजों से भरा पड़ा। यहां भर्ती ज्यादातर मरीजों को बुखार, दस्त जैसे लक्षण हैं, जो कि लू या गर्मी लगने की वजह से होते हैं। खबरों की माने तो सिर्फ देवरिया में 15 से 21 जून के बीच 60 से ज्यादा मौतें गर्मी की वजह से हुई हैं। लेकिन देवरिया प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन ने बकायदा एक सूची जारी की है, जिसके मुताबिक मरने वाले 50 से ज्यादा मरीज अस्पताल में मृत हालत में लाए गए थे और उनकी मृत्यु का गर्मी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन परिजनों के बयान देवरिया प्रशासन के दावों की पोल खोल रहे हैं। 25 साल के राजन यादव पिछले रविवार दोपहर को अपने रिश्तेदारों से मिलकर निकले, धूप की वजह से चक्कर आया और सड़क के किनारे ही उनकी मृत्यु हो गई। जब उनका शव जिला अस्पताल ले गए तो प्रशासन ने ना पोस्टमार्टम किया और ना कोई जांच। परिजनों को कहा कि अंतिम संस्कार कर दीजिए। वहीं गाड़ी रोके हैं और वहीं रोक करके 10 मिनट बैठे हैं। बैठने के बाद थोड़ा बहुत छटपटाने लगे हैं तो लोग पास में कोई था तो दौड़ करके गया भाई, पूछे उछे लोग तो बस उन लोगों से बस पानी मांगे हैं और पानी जस्ट दिए हैं, लोग पानी भी पिए हैं और गांव के भी लोग 2-4-10 लोग गए हैं, प्रधान भी गए हैं तो पानी पीने के बाद 2 मिनट के बाद वो वहीं गिरे हैं और एक्सपायर कर गए हैं। हम लोग दौड़ भागते हुए यहाँ इमरजेंसी आए तो राजन जी को हम लोग रिसीव किए, यहाँ मौके पर एक्सपायर मिले। डॉक्टर साहब बोले कि ये एक्सपायर कर गए हैं तो वही बता रहे थे डॉक्टर साहब कि ये सब गर्मी के कारण हुआ है। 63 साल की निर्मला तिवारी सोमवार को गर्मी की वजह से चक्कर खाकर गिर गईं। परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे जहां कुछ देर इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। देवरिया जिला अस्पताल ने ना निर्मला का पोस्टमार्टम किया और ना ही परिवार को कोई मृत्यु प्रमाण पत्र ही दिया। हम लोग भी इमरजेंसी में गए तो मौसी की शरीर बहुत गर्म थी, डॉक्टर ने इंजेक्शन एक लिखा, वहाँ पे बहुत भीड़ थी, अफरा तफरी का माहौल था, हॉस्पिटल बहुत भीड़ था। एक इंजेक्शन लगा, मौसी को बहुत ज़्यादा बुखार था उस समय, हीट थी शरीर, इंजेक्शन लगा, इंजेक्शन लगने के बाद हालत में बहुत सुधार नहीं थी। डॉक्टर साहब थोड़ी देर बाद ECG करने चले तो ECG जब करने चले तो मेरी मौसी की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर साहब बताया आपकी मौसी है नहीं, और लोगों ने कारण पूछा तो उन्होंने कारण कुछ नहीं बताया, मेरी मौसी की मौत हो गई थी। आपने मृतकों के परिजनों को सुना, पर देवरिया प्रशासन मानने को तैयार ही नहीं कि गर्मी की वजह से लोगों की मौत हुई है। अभी तक हम लोग के संज्ञान में कोई भी कंफर्मेटरी हीट स्ट्रोक से डेथ नहीं हुआ है। अभी तक 1 तारीख से अब तक 4 मरीज जो संदेहास्पद थे उन्हें हीट स्ट्रोक मानकर भर्ती किया गया, बेहतर उपचार दिया गया, लेकिन उसको बचाने में हम लोग सफल नहीं हो पाए। अन्य आने वाले सभी मरीजों को जो भी इमरजेंसी में आ रहे हैं उनके लिए सारी चिकित्सीय सुविधा उच्च स्तर का उपलब्ध कराया जा रहा है। बलिया और देवरिया में गर्मी के चलते हुई मौतों पर जांच बैठाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट अब तक अटकी हुई है। हमने ये सवाल यूपी के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक से पूछा, उनका जवाब सुना। बहुत दुखद घटना हुई थी, हम पूरी तरह से सतर्क हैं और चिकित्सा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, सभी डॉक्टरों की छुट्टियां निरस्त कर दी है। कई जगह कुछ मिला जुला रिपोर्ट था तो हमने अलग से दोबारा भेजा है मेडिकल कॉलेज के GMC में, अभी रिपोर्ट आया नहीं है क्योंकि लंबा समय लग रहा है। कुछ रिपोर्ट अलग डॉक्टर बताए थे, कुछ अलग बताए थे, अब रिपोर्ट शीघ्र ही आ जाएगा। 4 दिन अभी से जांच करेंगे। प्रशासन के दावे चाहे कुछ भी हो, आज भी बलिया और देवरिया के जिला अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं और अब तक किसी भी मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं जारी किया गया है। CMS ने कहा था कि बलिया में 54 मौतें गर्मी से हुई हैं, उनका तबादला कर दिया गया। नए वाले जो अधिकारी आए हैं वो बोलने को तैयार नहीं हैं। परिजन जिनके लोग मर गए गर्मी से, वो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सरकारी बाबुओं के चक्कर लगा रहे हैं और प्रशासन कह रहा है कि हम जांच कर रहे हैं। यही हालात बलिया और देवरिया में लगातार बने हुए हैं। देवरिया में विनोद और बलिया में करुणा के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।